लेकिन तो जी उन्हीं संवैधानिक शक्तियों के दायरे में रहते हुए सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म कोलैप्स है दिल्ली में, तो उनकी सिफारिशों से तो थोड़ी कुछ होगा। उसका फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजॉरिटी चेक होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन दिल्ली में है और एक साल से जहां मणिपुर जल रहा है वहां नहीं है, जहां एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया वहां नहीं है, इसी दिल्ली की सड़कों पे हमारी पहलवान बेटियां घसीटी गई यहां नहीं है। नहीं जवाब दे ये कोई अमित शाह जी की, गृह मंत्रालय की, देश का गृह राज्य मंत्री, उसके बेटे ने 4 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल के मार दिया, अभी भी वो देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी नहीं है, वो कोई कोलैप्स नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो दिन रात दिल्ली वालों के लिए काम कर रहा है, यहां पे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन और पता नहीं क्या क्या बातें खड़ी कर रहे हैं। तो संजय जी अंतिम सवाल पूछ रही हूं आपसे, मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी, मैं ये फर्ज करके सवाल पूछ रही हूं, मुख्यमंत्री की जमानत नहीं होती है और आप चुनाव लड़ते हैं, 25 मई को दिल्ली में चुनाव है, वैसे 7 चरणों में चुनाव है, ये घोटाले के आरोप दिल्ली जल बोर्ड का भी आ गया और आपने कहा हंसने का घोटाला भी अभी सामने आएगा, तो ये सारे घोटाले जब मिल जाएंगे तो आपकी ये 7 सीटें क्या रिजल्ट देने वाली है? और सिर्फ 7 नहीं, आप हरियाणा में लड़ रहे हैं, आप गुजरात में लड़ रहे हैं, आप देखिए गरिमा जी मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि भाजपा के ये फर्जी नारों के चक्कर में पहले तो देश की जनता को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि याद करिए इनके नारे, इन्होंने बंगाल में कहा था 200 पार, दिल्ली में कहा था 45 पार 8 सीट आई, मेघालय में कहा था 21 पार 1 सीट आई, आपका क्या नारा, हरियाणा में कहा था 75 पार 40 सीट आई, आपका क्या नारा है? हमारा नारा दिल्ली के 7 सीटों पर लोकतंत्र बचाओ, तानाशाही हटाओ, जेल का जवाब वोट से दो, और दिल्ली की जनता, मुझे पूरा भरोसा है सुनीता केजरीवाल जी के आंसुओं का, हमारी सीमा भाभी के आंसुओं का, हमारे नेताओं के साथ जो उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है उनके उनकी तकलीफों का, अपने वोट की ताकत से बदला। 7 में से कितनी सीटें आपका गणित क्या? हम सारी सीटें जिताने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन वही कांग्रेस आपके साथ खड़ी है दिल्ली में, जिसने कहा था सबसे पहले विसल ब्लोअर बनकर कि घोटाला हुआ है शराब घोटाला। देखिए ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच करो ना, इतनी चीजें आपको बता दी विस्तार से गरिमा जी, अभी क्या बचा हुआ है? जबरदस्ती करके 456 में से 4 गवाह, वो भी जबरदस्ती करके आपने निकाल के कुछ बयानों को छिपा के। मैं तो कांग्रेस की बात कर रही हूँ, कांग्रेस से बेमेल गठबंधन है क्या? नहीं, बेमेल गठबंधन आप कैसे कह सकती हैं? जब गठबंधन हुआ है तो मेल का ही गठबंधन है, बेमेल क्या होता है? वही विसल ब्लोअर थे, सबसे पहले शराब घोटाला उन्होंने ही कहा। आज आप जो सामने आ रहा है वो भी हैरान है, जो कुछ सामने आ रहा है इन जांचों में वो भी हैरान है। तो आप तैयार हैं? हर तरह से दहाड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जेल से बाहर आने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या लग रहा है? दोनों 6 महीने वहां के और कार्यकर्ताओं के भी। देखिए एक चीज मेरी जो जिंदगी का हिस्सा था कि काम करने की एक धुन रहती थी, वो थोड़ा सा वहां रुक गया था, और अब वो जो कमी है उसको और 4 गुना ताकत से पूरा कर रहा हूँ, वो दिख रहा है। 2 दिन से जब से बाहर हूँ, सुबह एक दिन 6 बजे सोया हूँ, एक दिन 6:30 बजे सोया हूँ, पूरी रात जगता हूँ, और फिर 10 बजे से ऑफिस आ गया था आप लोगों के साथ। पर दिख रही है वो एनर्जी, नजर आ रही है, और कुल मिलाकर देश की अदालतों पर भरोसा बना रहे, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये सफल चलता रहेगा, लेकिन इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा बना रहे और आम आदमी तक न्याय यानी कि जस्टिस की लॉ पहुंचती रहे, लोकतंत्र के जिंदा होने का यही पैमाना भी है और यही दस्तूर भी है। संजय सिंह ने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, 6 महीने की जेल के बाद अब कार्यकर्ताओं के बीच में और दिल्ली की 7 सीटें,